दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल के स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। हैरानी इस बात की है कि जो कायदे कानून मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए बनाए गए हैं, उनके अनुसार यदि कोई उम्मीदवार दूर से आता है तो उसके 2 अंक घट जाएंगे, जबकि नज़दीक से आने वाले उम्मीदवार को 8 अंक दिए जाएंगे, जिस कारण ये भर्ती प्रक्रिया अपने आप में ही सवालों से घिर गई है। गौर रहे कि भर्ती नियम के अनुसार ये दूरी स्कूल से देखी जाएगी। जिस वार्ड में ये स्कूल मौजूद है उसमें लगने वाला उम्मीदवार उसी वार्ड से आएगा तो 8 अंक दिए जाएंगे, जबकि पंचायत के दूसरे वार्ड से आने वाले उम्मीदवार को 6 अंक मिलेंगे, यानी सीधे 2 अंक घट जाएंगे। इससे साफ लग रहा है कि शिक्षा विभाग में ट्रांसपोर्ट के नियम लागू कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग का नियम थोड़ा इसके विपरीत है, जो ज़्यादा दूरी बसों में तय करेगा उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं और कम दूरी तय करने वाले से कम पैसे लेते हैं। मगर शिक्षा विभाग ने दूरी का नियम जो बनाया है वह बेहद अटपटा लग रहा है। कई उम्मीदवारों ने इस पर आपत्तियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। इस बारे में एक बार फिर सीएम से आग्रह किया गया है कि इस नियम में सुधार लाया जाए और पंचायत के भीतर सभी उम्मीदवारों को बराबर अंक दिए जाएं, अन्यथा अंकों के खेल में ही दूसरे वार्डों से आने वाले उम्मीदवार पिछड़ जाएंगे।